पद्मावत का जो कंट्रोवर्सी था, फिर अभी तो हो गया, मतलब सिर्फ टाइटल चेंज करके मूवी को लेके आ ये एक गए। बॉलीवुड की बहुत बड़ी हार है, और एक बॉलीवुड के इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर का बहुत बड़ा लॉस है, इतने सारे एक्टरों का बहुत बड़ा लॉस है कि चंद लोग मिलके उसका टाइटल चेंज करा दिए। एक डायरेक्टर का इतना बड़ा कैनवास, उसकी सोच, वो सब चेंज कर दिए, तो ये गलत है। नहीं, अगर आप उसमें एक्टर होते, मतलब आप अगर लीड कर रहे होते, तो आप क्या स्टैंड लेते अपनी पिक्चर को बचाने? नहीं, स्टैंड तो दोनों ने सही लिया बिल्कुल, क्योंकि देखो रिलीजियस मैटर आ जाता है वहाँ, फिर आप कुछ बोल नहीं सकते हो। बस यही है कि फिल्म देखने के बाद लोगों को पता चला कि पद्मावती जी के खिलाफ तो कुछ था ही नहीं वहाँ, तो हमारे अलाउद्दीन खिलजी जी को विलन दिखा दिया, जो इतने इतने वली सिफत आदमी थे, इतने अच्छे थे, उनको पता नहीं क्या दिखा दिया। बल्कि पहली बार अंग्रेज़ों से, अगर मंगोल लोगों से लड़े थे कोई, तो वो अलाउद्दीन खिलजी थे, कोहिनूर का हीरो जिन्होंने कब्जे किया था वो अलाउद्दीन खिलजी थे, किसानों को जिन्होंने हक दिलाया था वो अलाउद्दीन खिलजी थे, राजपूतों से लड़ाई उनकी पता नहीं वहाँ तो नहीं लिखी है क्या कुछ हुई थी, ये काल्पनिक कहानी थी, और विलन दिखा दिया अलाउद्दीन खिलजी जी को। रोड पे तो मुसलमानों को आना चाहिए था, रोड पे आ गए करनी सेना वाले। तो हम मुसलमान तो बड़ा बर्दाश्त करते हैं यार, और करते आए और करते रहेंगे। आप देखिए वहाँ से नित्यानु आ गया, इतना बड़ा टेररिस्ट, क्या वो टेररिस्ट नहीं है? आप लादेन और नित्यानु में फ़र्क बताइए मुझे, मतलब लादेन टेररिस्ट है, हाफिज सईद टेररिस्ट है, नित्यानु इन्हें अच्छा लगता है, सब हिंदू कह रहे थे कि नित्यानु इज़ अ गुड गाय, सारे एक्टर लेके उसके साथ सेल्फी खींच रहे थे, अमिताभ बच्चन से लेके सब, तीन खान को छोड़ के सब लोग थे वहाँ पे जो पार्टी कर रहे थे। टेररिस्ट आपके हिसाब से वो नहीं होता जो बेगुनाह बच्चों को मारे, जो सिविलियंस को मारे, जो जंग में सिर्फ सैनिकों से जंग करे, वो अलग बात होती है। इन्होंने केमिकल फेंके छोटे छोटे बच्चों पे, अस्पतालों पे, स्कूल पे, तो वो टेररिस्ट नहीं है। तो ये हिपोक्रेट दुनिया है और हिपोक्रेट जनता है, और ये चाहे आप कांड करो, नोटबंदी का घोटाला करो, आप जीएसटी का घोटाला करो, फिर भी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप एक भाषण में आके ये बोल दो कि मैं देश की तरक्की, कहाँ है यार, 3 साल हो गए कोई तरक्की नहीं हुई है, बर्बाद हो गए लोग, भूखे मर रहे हैं लोग, और मरते रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, ये रोजी रोजगार पे नहीं, ये देश की तरक्की पे नहीं, ये कभी भी देश की एकता पे बात नहीं करते। खैर ये कभी नहीं समझेंगे, हमारे दादा दादी के टाइम से चला आ रहा है, अंग्रेज ऐसा करके गए, और ये पॉलिटिशियन लोग राजनीति फैला के वही कर रहे हैं, और बस हिंदू मुसलमान से नफरत कर रहा है, मुसलमान हिंदू से नफरत कर रहा है, पता नहीं देश का क्या होगा।